सर, तमिलनाडु के एक मंत्री ने बयान दिया है कि डेंगू और मलेरिया की तरह ही हिंदू धर्म, तो इसको खत्म करना चाहिए, किस तरीके देखते हैं इसको? देखिए, हिंदुओं को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है नेताओं में। सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। 1000 साल भारत गुलाम रहा और 1000 साल तक लगातार सनातन को मिटाने की साजिशें हुई। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वीर हकीकत राय, छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने महापुरुषों का लहू शामिल है सनातन धर्म की शक्ति में। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। लॉर्ड मैकाले की कुछ नाजायज औलादें ये ख्वाब दोबारा देख रही हैं। सनातन न मिटा है, सनातन न मिटेगा। सर, आपकी पार्टी के ही गठबंधन के लोग हैं लोग जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो लोग क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव के रास्ते पे चलती है। कांग्रेस पार्टी सनातन को मिटाने वालों का समर्थन नहीं कर सकती। सर, अगर बात करें वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, उसको लेकर क्या कहना आपको? देश के हित में अगर कोई कानून आता है तो इसका हम स्वागत करेंगे। सवाल देश का है, सवाल राष्ट्र का है, सवाल 130-135 करोड़ लोगों के भविष्य का है, सवाल पक्ष और विपक्ष का नहीं है। अगर हमारे विरोधी दल की सरकार है और वो कोई देश हित में फैसला करती है तो हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए। सर, आपकी पार्टी के या आपके गठबंधन के लोग इस चीज को लेकर खिलाफत में, अभी रंजन चौधरी ने इस्तीफा दे दिया कमेटी का, ठीक है, वो उनका अपना फैसला है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है, मैं इसका स्वागत करता हूं।